तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल नाइट में मैं हैदराबाद आया था मेरे मौसी के घर पे, क्योंकि कैरदाबाद गणपति देखने के लिए हैदराबाद आया था। ये मेरा सेकेंड ईयर है। 2021 में मैं विसर्जन के टाइम पे आया था, लास्ट डे पे। तो स्क्रीन पे वो दे देता हूँ, आप देख लो। प्रेजेंट मैं हूँ कैरदाबाद मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से अपने को कैरदाबाद गणपति देखने के लिए बहुत आसान होएगा। सो गाइस, आज गणपति का पांचवा दिन है। आज पांच दिन का गणपति का विसर्जन है, आई मीन डेमोलिश डे है। आज उल्टा संडे है। बहुत सारे पब्लिक भगवान के दर्शन के लिए उधर उधर घूम रहे। ऑब्वियसली आज संडे है तो बहुत पब्लिक बाहर निकलेंगे। सो मैं भी निकला हूँ घर से बाहर। आई मीन मैं घर से 1 बजे निकला था, अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। तो आपको एक टिप देना चाहता हूँ मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो के बारे में। गाइस, आप संडे को हैदराबाद मेट्रो में घूमना चाहते हो तो ये सुपर सेवर मेट्रो हॉलीडे कार्ड 50 रुपये का आता है, और आप 59 का रिचार्ज करेंगे तो अनलिमिटेड आप ट्रैवल कर सकते हो संडे और सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे और पब्लिक हॉलीडेज पे। ये वैलिड रहता है, ओनली 59 रुपी रिचार्ज करेंगे तो 1 डे के लिए पूरा अनलिमिटेड कहाँ पे भी आप घूम सकते हो। एक बार डिटेल के लिए आप मेट्रो हैदराबाद साइट पे जाके चेक कर सकते हो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन नॉर्मली संडे को 59 रुपीज़ में अनलिमिटेड घूम सकते हो। मैं रिचार्ज मारा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, अपन कैरताबाद गणपति के लिए शुरू होते हैं अभी। गाइस, गणपति दर्शन होने से पहले ही मेट्रो में मेट्रो स्टेशन में देखो ये क्यू लाइन। अभी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, देख रहे हो। गाइस, कैरताबाद मेट्रो स्टेशन के बाजू में ही रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो। सो आप कैरताबाद गणपति देखना चाहते हो तो मेट्रो स्टेशन और कैरताबाद रेलवे स्टेशन दोनों तरीका है, और बस से भी आ सकते हो। मेरे हिसाब से तो मेट्रो स्टेशन आपको ठीक रहेगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन जल्दी आ जाता है। तो आप मेट्रो स्टेशन में थोड़ा ज़्यादा पैसे जाएगा, और अपना ये अपना MMTS लोकल में और सस्ते में आ सकते हो। आपको जैसे जमता है वैसा आ सकते हो। आप देख रहे हो गाइस, ये अपना गणपति दर्शन के लिए कितना यहाँ से ही गर्दी चालू हो रहा है मेरे हिसाब से तो। आज संडे है ना गाइस, इसलिए पब्लिक ज़्यादा है। नॉर्मल डेज में इतना पब्लिक नहीं रहता, क्योंकि सबको हॉलीडे है आज। शॉप पे नहीं जाते, सबको छुट्टी रहता है मैक्सिमम मेंबर्स को, इसलिए इतना कर दिए। तो गाइस, प्रेजेंट मैं हूँ कैरताबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे। आप रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो और मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हो। और मेट्रो स्टेशन के नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको गेट दिख रहा होगा, ये देखो, ये गेट पे आना है आपको, ये गेट के अंदर से जाना है। जाने के बाद आपको दिख रहा है ना रेलवे गेट, ये रेलवे गेट अपना कैरताबाद गणपति कैरताबाद रेलवे स्टेशन का गेट है। ये देख सकते हो आज पब्लिक कितना है गाइस, मैं तो लिटरली पागल हो रहा हूँ। ये गेट गिरेगा तो और एक ट्रैफिक जाम होएगा पब्लिक का। ये देखो, ये साइड में अपने को कैरताबाद रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा आपको। आगे जाते जाते अपने को अपना महाराज का आइडल दिख गया, देख सकते हो आप, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते गाइस, पब्लिक देख रहे हो। सो गाइस, मैं अभी पूछा हूँ आजू बाजू मेरे भाई साहब लोगों से, वो बोल रहे कि यही लाइन है, आगे दूसरा लाइन चालू होने वाला है। ये विदाउट क्यू लाइन का ऐसा ही मार्केट में से लाइन निकल रहा है, देख सकते हो आप। ये मार्केट है एक्चुअली वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का,
और भी बहुत सारा दुकान का। तो ऐसा नॉर्मल मार्केट से गुजरना है आपको, यही से ही अपने को लाइन स्टार्ट होएगा। मतलब ये तो नॉर्मल लाइन है, ऐसे पब्लिक जा रहे, धीरे 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 आगे अपने को गणपति का लाइन रहेगा, मे बी मेन लाइन गणपति के नजदीक जाने के लिए। देखो गाइस मार्केट में कितना पब्लिक है, पूरा जाम है। देख रहे हो ना अपना भगवान का क्रेज, अपना गणपति का त्योहार का क्रेज। आई मीन ये ऐसा मेरे मन के अंदर से आया हुआ बात है गाइस। सो आफ्टर 2 इयर्स कोविड के बाद इतना लोग आ रहे, मतलब 2021 में भी ये सीन था, लेकिन इतना पब्लिक नहीं था क्योंकि तभी कोविड गया नहीं था। तो कोविड के डर से घर से कोई बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अभी कोविड का कुछ भी डर नहीं है और उसका सॉल्यूशन भी है सबके पास, मेडिसिन वगैरह वो ये सब आया है और डोसेज भी चालू है इंडियन गवर्नमेंट से। तो डोंट वरी गाइस, आप लोग भी आ सकते हो घर से बाहर और अपना बप्पा का दर्शन लीजिए अच्छे से। तो गाइस नॉर्मल डेज में ये एक मार्केट रहता है, ये मार्केट से गुजरना है अपने को। तो गाइस वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा मेहनत से, आप लोग भी थोड़ा वीडियो को प्यार दो यार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो, जो आपको करना है अच्छा लगेगा मेरा वीडियो से वो सब कर दो। ये देखो गाइस अभी यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो ना ये वाला लाइन है, अभी यहाँ से लाइन स्टार्ट होएगा। सो गाइस देखते देखते अपना क्यू चालू हुआ है, मेन क्यू में अभी यहाँ से अपना लाइन चालू हुआ है, देख सकते हो। ठीक है गाइस आगे आगे अपडेट देता हूँ कैसे क्या होता है। दोपहर के 2 बजे अपना प्रॉपर लाइन चालू हुआ है, दोपहर के 2 बजे। सो यहाँ पर धूप बहुत है, सो चेहरा पूरा पसीना पसीना हो रहा होगा, उतना मेरे चेहरे पे ध्यान मत दो, उतना हैंडसम नहीं हूँ कुछ नहीं हूँ, अपना ब्लॉग पे कॉन्सेंट्रेट करो और पूरे वीडियो एंड तक देखो, देखते हैं कितना घंटा टाइम लगता है अपने को। 2 बजे स्टार्ट किया अपन तो। गाइस लोगों को देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और यहाँ का हैदराबाद का तेलुगु पीपल को देख के एकदम दिल खुश हो गया और सब लोग कितना खुश है। और एक तो फेस्टिवल वाइब से मतलब ह्यूज क्राउड आया है यहाँ पर। और एक बात तो हॉलीडे है आज सबके लिए, घर से बहुत जन बाहर निकले, देख रहे हो भगवान का दर्शन के लिए सब लोग आए, फीलिंग्स एकदम पॉजिटिव है और एकदम फ्रेश फीलिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नया नया लग रहा है मेरे को तो। और मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर दर्शन लेने के लिए, सो मेरे को भी नेक्स्ट लेवल फीलिंग लग रहा है। गाइस अपने लाइन के साथ साथ और एक लाइन भी है बाजू में, देख सकते हो आप। यहाँ पे 2 लाइन है मैं अभी तक देखा हूँ, यहाँ पे तीसरा लाइन भी है बोल रहे, पता नहीं वो साइड में हो सकता है, आगे के साइड में तीसरा लाइन भी हो सकता है। अभी ये 2 लाइन मर्ज हो के आगे जाएगा मे भी, शायद अगर होएगा तो आपको बता देता हूँ। वैसे आप उन नजदीक आगे गणपति के देख सकते हो, पैर दिख रहे अपना बप्पा का। गाइस थोड़े आगे आने के बाद लाइन ना लेफ्ट साइड लेके डाइवर्ट हुआ है, देख सकते हो आगे। अभी यू टर्न लेके भगवान के इधर दर्शन के लिए जा रहे लाइन, ये पहला लाइन है, वो सेकेंड लाइन वो दूसरी जगह से डाइवर्ट होता होगा मे बी, उसका पता नहीं।
तो गाइस यहाँ से लाइन ये देखो यहाँ जा रहा है अपना यू टर्न ले रहा है अभी। यहाँ पे कुछ बैरिकेड्स नहीं है रोड के बीचों बीच में है ना, इसलिए बैरिकेड्स वगैरह लगाए नहीं। यहाँ पर चेकिंग है, कोई बॉम्ब विम लगाया तो चेकिंग है, मे बी वो जामर वगैरह हो सकता है। यहाँ पर रुकाया गया, ये गेट है अंदर छोड़ने के लिए। यहाँ पर ना और एक खासियत है, जो भी पैसा दे रहे 10 रुपए 20 रुपए भगवान के हुंडी में डाल रहे उनके नाम अपना माइक पे आ रहा है, वो एक अच्छी बात लगा मुझे। यहाँ पर अपना डॉक्टर्स टीम बैठी है, कुछ भी अपना भक्तों को कुछ दिक्कत हुआ मार वार लग गया तो फर्स्ट एड करने के लिए यहाँ पर बैठे। मेरा तो नेक्स्ट लेवल फीलिंग है गाइस, कुछ भी बोलो पब्लिक को देख के मेरा तो होश उड़ गया, होश मतलब एकदम पॉजिटिव फीलिंग है। और जो एक्सपेक्ट करके आया था वो अनएक्सपेक्टेड है इधर तो। सो गाइस ऑलमोस्ट अपन नजदीक आ गए, देखते 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 अपना लाइन नजदीक आ रहा है गाइस। तो गाइस अभी हुंडी में पैसा डाल दिया, अपना नाम भी पुकारा है, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो ऑलमोस्ट अपन नजदीक आ गए, देख सकते हो आप, ये देखो मूर्ति अपना, इस बार 50 फुट का गणपति बनाया है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में आगे बता देता हूँ। इस कोने में मैं खड़े रह के थोड़ा भगवान को प्रार्थना किया हूँ, सो अपने बारे में बोलो भगवान को दिल की बात। वीडियो पूरा एंड तक देख के ऑलमोस्ट अपना दर्शन होने को आया है, मैं अपना भगवान को बोल दिया आप भी आ सकते हो। गाइस इस कोने में मैं खड़े रह के थोड़ा भगवान को प्रार्थना किया हूँ, सो अपने बारे में बोलो भगवान को दिल की बात। आप भी आ सकते हो, आप भी आ जाओ, ये वीडियो पूरा एंड तक देख के। ऑलमोस्ट अपना दर्शन होने को आया है, मैं अपना भगवान को बोल दिया आप भी आ सकते हो। गाइस दिल की बात तो बोल दिया, लेकिन अपना भगवान का दर्शन होना अभी बाकी है, अभी 2-4 मिनट में अपना मुख दर्शन हो जाएगा भगवान का। सो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल से कह रहा हूँ, और दिल के अंदर बहुत सारे बातें हैं लेकिन अभी बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की दिल में थोड़ा इमोशनल भी हूँ मैं। गाइस मुझे तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, 5-10 मिनट से यही पे हूँ मैं, अभी अगले साल आना है, तो ये साल गया तो अगले साल आना है, उसमें थोड़ा वेट कर रहा हूँ, देर के बाद में जा रहे थोड़ा 2-4 मिनट और यहाँ पर आगे देख सकते हो प्रसाद बांट रहे हैं, इसको तेलुगु में पुलिहोरा लेमन राइस बोलते हैं, भगवान का प्रसाद है ये। गाइस यहाँ पर देख सकते हो कुमार स्वामी कार्तिकेयन बोलते भगवान का नाम है, और अपना गणपति नजदीक आ रहा है, और सेकेंड लाइन के बारे में बोलने वाला था, वो सेकेंड लाइन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हो पुलिस सिक्योरिटी वगैरह। देखो गाइस अपना गणपति, ये टोटल 50 फुट है, देख के होश उड़ गया मुझे तो, एकदम शॉक हुआ हूँ मैं। तो ये था गाइस गणपति अपना 50 फुट का अपना दर्शन हो गया है, अभी चल रहे अपन। तो इधर थोड़ा धक्का मुक्की है क्योंकि ज्यादा पब्लिक है ना, समझ सकता हूँ मैं। सो गाइस अभी अपन बाहर जा रहे, हो गया अपना दर्शन,
देख सकते हो लोग कैसे थोड़ा धक्का मुक्की तो होता है गाइस, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है ना, तो मैनेज करना पड़ता है अपने आप को। तो गणपति के लेफ्ट साइड में कुमार स्वामी थे और बीच में गणपति थे और राइट साइड में अपना लक्ष्मी माता का मूर्ति है, देख सकते हो आप। तो फाइनली गाइस अपना दर्शन कंप्लीट हुआ है और इस गणपति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता हूँ, ये मूर्ति के बारे में इस साल। और आपको हिस्ट्री जानना रहेगा तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, वो आई कार्ड में देख के रखता हूँ। यहाँ पर लड्डू वगैरह दे रहे हैं, ले लेते लड्डू। सो गाइस यहाँ पर ऐसा लड्डू लिया हूँ, ये नॉर्मल लड्डू है, 50 का 4 लड्डू दिए इन्होंने। यहाँ पर देख सकते हो भक्तों का भीड़ और यहाँ पर ही अपना ये दर्शन कंप्लीट हुआ है। सो कंप्लीट होते होते यहाँ पर मूर्ति के बैक साइड में आया मैं, तो बैक साइड आया तो देख सकते हो बैक साइड में कैसा है गणपति। बैक साइड में भीड़ भी है इन लोग, थोड़ा अंदर जाके चेक करते क्या है कैसे है। सो गाइस अपना मूर्ति के पीछे आया हो तो कैसे तो आने दिए, कोई कोई लोग आ रहे थे, मैं भी अंदर आ गया ऐसे ही चलते चलते, तो देख सकते हो आप ये पीछे साइड से मूर्ति ऐसा दिखता है गाइस। सो जो आगे का लोग है जो दर्शन ले रहे हैं उनका अभी आपको दिखा देता हूँ। और मूर्ति के पीछे उनका ऑफिस है, ऑफिस में उतना कुछ एक्टिविटीज नहीं है, पुलिस लोग बैठे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं मैनेजमेंट वाले वगैरह। ये उनका रूम से देख सकते हो, उनका रूम से ये थोड़ा स्टाफ और अंदर पुलिस। सो गाइस अपन चलते अभी आगे आगे, अभी आगे क्या है देखते हैं। अभी अभी तक व्लॉग एंड नहीं किया हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद एंड करता हूँ। सो गाइस बाहर निकलने के बाद ना यहाँ पर लड्डू बेच रहे 50 का एक, और 50 का एक बड़ा लड्डू और 50 का 4 छोटा लड्डू है। आई मीन आप प्रसाद लेके जा सकते हो, यहाँ पर सामने 10 रुपए का भी एक लड्डू है। तो यहाँ पर है ना कुछ तो दे रहे गाइस। सो ये कुछ तो सोन पापड़ी दिए गाइस, अपने वो सोन पापड़ी मिला है। तो गाइस इस रास्ते से मैं आया था, आने के बाद 2 रास्ता मिल गया यहाँ पर मुझे, तो मैं कल ही चेक कर रहा था ये 2 रास्ता कहाँ पे आता है। तो यहाँ पर एक्टिविटीज बहुत है गाइस बच्चों लोग के लिए, आई मीन बड़ों लोग के लिए, खाने पीने का आइटम्स और फ्लावर्स और खिलौने बहुत सारे हैं, मतलब दूर दूर तक फैला है देख सकते हो आप, मतलब बहुत गर्दी है गाइस, बहुत गर्दी है। सो अभी गणपति के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, मैं फिर से अंदर जा रहा हूँ गाइस यही रास्ते पे, थोड़ा मूर्ति का अच्छे से वीडियो निकालने का है, क्योंकि उतना गर्दी में उतना वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, और अपना वीडियो कितना लंबा जा सकता है वो भी पता नहीं, बहुत सारा मैं बोलते जा रहा हूँ। सो गाइस दर्शन खत्म होने के बाद ना एक राइट साइड में लाइन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जाता है, देख सकते हो आप। सो गाइस गणपति के सामने से ना एक लाइन स्टार्ट होता है, ये देख सकते हो आप।
ये वाला तीसरा लाइन है, गणपति के सामने से एक लाइन स्टार्ट होता है और गणपति के लेफ्ट साइड में दो लाइन स्टार्ट होता है, फिर ये सब लाइन आगे मतलब अलग अलग से दर्शन होता है सबका, फिर बाद में गणपति के लेफ्ट साइड में सब लोग निकल रहे मतलब वहां से खत्म होता है मतलब। तो यहाँ पर तीन रास्ता है, लेफ्ट साइड से आके दर्शन ले रहे और सामने से आके दर्शन ले रहे और सब लोग लेफ्ट साइड में जाके खत्म कर रहे हैं। बस ये था गाइस अपना ये लाइन के बारे में, टोटल थ्री लाइन्स है, आप कौन सा लाइन चूज करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। तो गाइस गणपति के सामने और एक फोर्थ लाइन है, ये खाली टेम्परेरी लाइन है, ऐसा ही गणपति को सामने से देख के चले जा रहे हैं ये वाला। और इसमें कुछ गर्दी नहीं है, इधर आके लोग जाम हो रहे हैं, अपना फोटो वीडियो खींच रहे और आगे बढ़ रहे जा रहे हैं, बस उतना ही। नजदीक से आपको दर्शन चाहिए तो वहाँ सामने गणपति के राइट साइड में आपको दो लाइन है मतलब वो गली में, और गणपति के सामने और एक लाइन है। यहाँ पर लोग ना फ्री का प्रसाद या राइस वगैरह बांट रहे हैं, लेकिन ये कचरा करने का मैनेजमेंट सही नहीं है गाइस, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। इधर एक इन लोग कुछ डब्बा उब्बा लगाते तो अच्छा रहता था। और अपन अभी जाने वाले गणपति का व्यू पॉइंट के इधर, यहाँ पर लिटरली गाइस मैं पागल हो गया हूँ, कौन सा भी गली में जाओ पब्लिक ही पूरा पागल हो रहा हूँ। सब गली इधर का आजू बाजू का गली सब जाम है और अपना व्यू पॉइंट के इधर जाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वही मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ। सो जब भी अपन लाइन स्टार्ट की था ना उधर ही अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन दर्शन होने के बाद वो व्यू पॉइंट पकड़ना बहुत मुश्किल है गाइस। सो वहीं पे ही मैं जा रहा हूँ वापस, वही मेन गली में जाके वो व्यू पॉइंट के इधर जाना पड़ेगा मुझे। आप भी आएगा तो मतलब आपको थोड़ा डिफरेंट नया फील आएगा। सो गाइस वापस अपना मार्केट गली में आया हूँ व्यू पॉइंट देखने के लिए, देख सकते हो वापस दर्शन तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन व्यू पॉइंट का सर्च कर रहा हूँ। व्यू पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो गणपति पूरा कैसा दिखता है सामने से एक बार कंप्लीट जो अपना गणपति का स्ट्रक्चर है वो एक बार देखना पड़ेगा ना गाइस। सर ऊपर करके तो देखा हो दर्शन, लेकिन अभी एग्जैक्ट व्यू पॉइंट से अपने फोटो वीडियो निकालना है अपना थंबनेल के लिए और थोड़ा फोटोज भी निकालना है गाइस। ये पहला लाइन था और ये सेकंड लाइन था, ये सेकंड लाइन के बाजू में व्यू पॉइंट का एरिया है, उधर जा रहे हैं अपन। तो गाइस आप देख सकते हो यही है वो व्यू पॉइंट, थोड़ा आगे जाएंगे ना तो अच्छे से और दिखेगा। देखो सब लोग फोटो वीडियो खींच रहे हैं यार, ये व्यू पॉइंट के लिए बहुत घूम घूम के आए हो गाइस, कहाँ पे भी देखो पूरा गली पूरा जाम है गाइस। यहाँ पर ना पुलिस लोग बोल रहे कि आज संडे है, क्राउड बहुत है, आप कल भी आके दर्शन ले सकते हो करके बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसलिए इतना क्राउड आ रहा है ना बोल नहीं सकते, पब्लिक ही पब्लिक आ रहे हैं, तो उन लोग से भी हो रहा नहीं, आज संडे है ना उसलिए क्राउड ज्यादा है। तो लोग ये लोगों को कौन मना कर सकता है, भगवान है, भगवान का दर्शन कोई भी ले सकता है ना, तो पब्लिक तो आते रहते ना गाइस, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कल भी दर्शन ले सकते हैं, कल मंडे है तो कम पब्लिक रहेंगे और संडे है तो ज्यादा पब्लिक आए करके ऐसा बोल रहे हैं थोड़ा तेलुगु में। तो अपना तो मेन व्यू पॉइंट के इधर हूँ, लेकिन अभी प्रॉपर अपना व्यू स्ट्रक्चर मिल रहा नहीं, मिलने के बाद अपन थोड़ा गणपति के बारे में भी बोल देता हूँ आपको। सो गाइस ये गणपति के बारे में दो चार बातें बोल रहा हूँ, ये गणपति का मूर्ति को डिजाइन करने के लिए इन लोग ना 4 महीने पहले से ही प्लानिंग करते, फिर बाद में मूर्ति बनाने के लिए टोटल 3 महीने लग गए थे, 150 वर्कर्स काम किए अलग अलग स्टेट से, अपना महाराष्ट्र कर्नाटका आंध्र प्रदेश तेलंगाना और वेस्ट बंगाल से, और ये मूर्ति में ज़्यादातर स्टील यूज हुआ है और मिट्टी यूज हुआ है
और घास घास यूज हुआ है और राइस का छिलके का यूज हुआ है और मिट्टी का यूज हुआ है। सो ये सब चीज़ों से ये अपना गणपति बनाए हैं। इस बार कुछ भी पीओपी वगैरह कुछ नहीं यूज किए, इको फ्रेंडली गणपति है और एज पर हैदराबाद गवर्नमेंट के हिसाब से इको फ्रेंडली गणपति बनाया है इस बार। तो ये मूर्ति को बनाने के लिए टोटल 1 करोड़ का खर्चा आया है गाइस, तो लिटरली 1 करोड़ का खर्चा आया है। और इस बार 50 फुट का गणपति बनाया है, गए साल 40 फुट था तो इस बार 10 फुट और ज़्यादा बड़ा है, मतलब 50 फुट टोटल बना है। सो यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है गाइस, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है अपना जो कंट्रोल करने वाले पब्लिक से, देख रहे हो पुलिस वगैरह हम लोग कितना लोग है यहाँ पर। और गाइस इस बार ना अपना मूर्ति का डिजाइन आके पंचमुखी महालक्ष्मी गणपति है। सो ये मूर्ति डिजाइन करने का कारण है, 2 साल अपना कोविड आया था ना, वो कोविड में सब लोग फाइनेंशियली बहुत मतलब लॉस हुए थे, बहुत खर्चा हुआ सबको, इसलिए सब लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए और सबका सब लोग अच्छे रहने के लिए पंचमुखी महालक्ष्मी गणपति इस बार डिजाइन किया है ये मूर्ति को। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते और ये वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूँ, मैं पहली बार लाइन लगा के दर्शन लिया हूँ, बहुत मजा आया गाइस। और यहाँ पर क्राउड को संभाल ही नहीं पा रहे पुलिस लोग भी और पब्लिक बहुत खुश है, मुझे भी नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है, बोल नहीं सकता हूँ मेरी बातों में। और ये अपना गणपति देख के पूरा पागल पागल हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया गाइस। और इस बार तो इको फ्रेंडली गणपति है और लोग भी बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पर, कहीं पे भी देखो पूरा जाम जाम हो गया है। आप भी दर्शन लेने के लिए आओ गाइस, अपना 9 तारीख को अपना गणपति का डेमोलिश है, आई मीन विसर्जन है, और 9 तारीख के अंदर आएगा तो आप भी ये गणपति का मजा ले सकते हो और ब्लेसिंग्स भी ले सकते हो। सो भगवान का दर्शन लेके मुझे अच्छा लगा गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप जोड़ी, टेक केयर गाइस।